नमस्कार, आप देख रहे हैं एक इंडियन न्यूज चैनल, मैं अनिल ढांडा। जैसे कि हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहते हैं, आज हम खड़े हैं वसंत विहार के अंदर, जहां की लुक्स पार्लर की आज ओपनिंग हुई है। और ओपनिंग नहीं कह सकते, लुक्स पार्लर लगातार 15 सालों से सेवा दे रहा है और जींद का अब सबसे बड़ा पार्लर लुक्स पार्लर बन चुका है। ठीक लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं, और पहले भी हमने वीडियो बनाई थी। और जो पहले पुराना पार्लर था सफीदो रोड पर, ठीक उसके पीछे की गली में, उसके पीछे जो लुक्स पार्लर अभी ओपन हुआ है दोबारा से, और यहाँ पर यह सबसे बड़ा पार्लर अब खुला है। तो बात करें मैम, सबसे पहले तो मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। आप लगातार 15 साल से जींद के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और आज आपने जींद का सबसे बड़ा पार्लर ओपन किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जींद वासियों का साथ था जो मुझे 15 साल के अंदर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैं जींद वासियों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनके अलावा, उनके साथ के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो अब इस पार्लर में क्या क्या सेवाएं रहेंगी? जो सेवाएं वहाँ थी, वहाँ पे भी बहुत सारी सेवाएं थी। ऐसा नहीं है कि मैं छोटे पार्लर में सेवाएं नहीं दे रही थी, वहाँ भी बहुत थी। बट यहाँ थोड़ा प्लस हो गया है, जैसे बॉडी का बहुत ज़्यादा प्लस हो गया है। फेशियल्स में जो नई नई चीज़ें आई हैं, हाइड्रा फेशियल, बीबी फेशियल और भी जो फेशियल हैं, वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। जब भी कोई ओपनिंग होती है या कंपनी की, फैक्ट्री की, दुकान की, पार्लर की, तो बड़े बड़े गेस्ट बुलाए जाते हैं। आज मैंने देखा कि अपनी गुड़िया से आपने ओपनिंग करवाई, इसका क्या मुख्य कारण है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, मेरी ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत मतलब ये नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी। हाँ, सीखा था, कोर्स किया था, बट मेरी फील्ड दूसरी थी। मैं एमए म्यूज़िक हूँ। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं इस स्टेज पर आई। इन मेरी बेटी के पैदा होते ही ये हमने डिसाइड कर लिया कि हम पार्लर करेंगे, क्योंकि मैंने सीखा हुआ था। और इसके चरणों जैसे ही मेरे घर में पड़े, तो मैं धीरे 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 इतने ऊपर आ गई हूँ। आज सब कुछ जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, बेटी की वजह से। तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी से सोचा कि मैं क्यों किसी को बुलाऊँ, अपनी बेटी से ही रिबन कटवाऊँगी। आज पार्लर की ओपनिंग हुई है, आपके मम्मी पापा ने आपसे यहाँ रिबन कटवाया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हो रही थी कि मम्मा ने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दी गई रिबन काटने की। तो मम्मा पापा का किस तरह से साथ देते रहेंगे? मैं कुछ बोलो, ब्यूटीशियन ही बनेंगे या कुछ अलग बनेंगे आप? कुछ अलग करूंगी। बेटे ये बताओ कि आज आपने रिबन तो काटा, लेकिन क्या आपको इससे पहले पता था कि आपसे रिबन कटवाया जाएगा? हाँ जी, पता था कि मेरे ब्रदर ने तो नींव रखी थी और मुझे पता था कि मुझे रिबन कट करना है। तो माने कि भाई बहन ने यहाँ पे पूरा मुहूर्त और सब नींव से लेके पूरा कंप्लीट तक दोनों ने किया। हाँ जी, इन्होंने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। अपने आप अपनी स्कूल की तैयारी करते हैं, अपने आप लंच बॉक्स पैक करती है, अपना अपनी ड्रेसेस खुद तैयार करती है। मुझे ये नहीं पता ये कब पढ़ने जा रही है, कब कैसे जा रही है। और इसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान दिया है गरिमा जी ने। इन्होंने एक बेटी में जा रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन्होंने बिल्कुल एक मदर की तरह इसको बिल्कुल सपोर्ट किया, बिल्कुल साथ दिया इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से। आपके बारे में यहाँ पे जमकर तारीफ की जा रही है, तो आप भी दो शब्द कहना चाहेंगे? जी, तारीफ के लिए तो मतलब गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क भी बहुत अच्छा करती है। मम्मा ऐसा नहीं है कि टाइम केयर तो करते हैं, टाइम नहीं दे पाते स्टडी से रिलेटेड, बट गुड़िया को ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे। मतलब इस चीज़ का आजकल के बच्चे इस टाइम पे फ़ायदा उठाते हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे तो हम कहीं और मुड़ जाएं। नहीं, ये गुड़िया बहुत अच्छी है करते हैं, और इसकी मम्मा का भी वर्क बहुत अच्छा है। मैं एंगेजमेंट से, मतलब मेरी एंगेजमेंट को 7 ईयर्स हो गए, मैं तब से यहीं से सर्विसेज ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरिमा, एक दो मिनट। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जो कि मैम के साथ काफ़ी अटैचमेंट रखती हैं, लंबे टाइम तक यहाँ से मेकअप भी कराती रही मैम, यहाँ आप इनसे जुड़े हुए हैं, क्या खास है लुक्स पार्लर में? इनकी तो हर चीज़ ही मतलब बहुत ही, मैं तारीफ नहीं कर सकती और मेरे पास शब्द भी नहीं है तारीफ करने के लिए। बहुत ही मतलब अच्छा है इनका गुड वर्क। कितने टाइम से आप जुड़े हुए इनसे? काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से जुड़े, जब से पार्लर है तभी से। तो कभी मन नहीं किया कि कुछ और ट्राई करके देखे पार्लर? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। मेरी गुड़िया ने सीखा था इनसे। अच्छा। और तो मतलब हम भी उनसे सीख गए, इनकी बदौलत कर लेते हैं और जब मन करता है आ जाते हैं। नेचर है। तो इनके काम के बारे में क्या बोलना चाहिए? नहीं, काम में तो एक्सपर्ट हैं, बहुत जींद में नंबर वन, मैं सबसे पहले कहीं भी जाओ आप सेटिस्फेक्शन यही मिलेगी आप। और बड़ा पार्लर भी हो गया अब तो? बड़ा भी हो गया, तो क्लाइंट भी ज्यादा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पहले तो पहले छोटा था,
वो तो पहले भी भीड़ थी लेकिन अब बड़ा हो गया, बैठने की स्पेस ज्यादा नहीं, नहीं पहले भी ज्यादा थे, ज्यादा था। अभी और बढ़ेंगे बढ़ेंगे आप लोग और यही दुआ करते हैं कि बढ़ने चाहिए, बहुत बड़े। आप भी लंबे टाइम तक जुड़े रहे होंगे, और क्या कैसा नेचर है, किस तरह का मेकअप करते हैं? अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा, मतलब काम करते हैं, बहुत अच्छा पार्लर बनाया और बहुत अच्छा चले, यही सब दुआ करते हैं हम। मुझे पार्लर से तैयार होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर जब से मैं डिंपल जी से जुड़ी हूँ मुझे अब बहुत शौक सा होने लगा है। पार्लर के अंदर और क्या नया किया है जो आपने नया पार्लर किया फिलहाल? पार्लर के साथ साथ मैंने लेडीज जिम भी किया है, और पार्लर में मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया है जहाँ पे पार्लर से रिलेटेड कोचिंग दी जाएगी लड़कियों को, और जो डिप्लोमा है वो गवर्नमेंट से वैलिड होगा, तो 100% वैलिड होगा। और जिम में जो रहेगा वो लेडीज़ जिम है, तो लेडीज़ ही ट्रेनर हैं उसमें, लेडीज़ ही सारी वर्क में आएंगी, कोई जेंट्स एंट्री नहीं है। एक बार जिम भी विजिट करना और पार्लर भी विजिट करना। मैं बात करें जिम के अंदर पार्लर तो बहुत है लेकिन पार्लर के साथ जिम नहीं है, आपने ये क्या सोचा कि जिम और पार्लर के साथ हो? ये वैसे एक्चुअली ना पहले से ही चल रहा है जिम, तो जिम से तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, तो हमने ये था कि लेडीज़ के लिए एक सिंपल पॉइंट बनाया जाए कि प्रॉपर लेडीज़ उधर आएँ, तो इसलिए हमने लेडीज़ जिम और लेडीज़ के लिए जैसे स्पेशल अकेडमी है, और पार्लर तो है ही काफ़ी टाइम से। तो आपने देखा हम यहाँ पे सफ़ेद रोड पे मौजूद हैं वसंत विहार के अंदर, लुक्स पार्लर जो लगातार 15 साल से सेवाएं दे रहा था वो कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहा है, और अब जींद का सबसे बड़ा पार्लर यहाँ पर खुल गया है, और जो यहाँ पे रिव्यू भी है तो बहुत पॉजिटिव रिव्यू है, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करके देखें और आप देखें कि किस तरह का यहाँ पर काम किया जाता है। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, मैंने लाड़ा एक न्यूज़ के लिए जींद से। एक तरफ पार्लर और दूसरी तरफ फिटनेस सेंटर, आजकल का जो समय है वो इन्हीं दो चीज़ों का है, और बड़ी खुशी की बात है कि जिला जींद के अंदर जो है वो लुक्स ब्यूटी पार्लर एवं फिटनेस सेंटर का आज आगाज हुआ है, और जींद की जनता को इसको बड़ा ही लाभ पहुंचने वाला आने वाले समय पर। फिटनेस सेंटर की अगर हम बात करें, आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है जिसके अंदर जो है लोग अपने आप को कहीं समय नहीं दे पाते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल कोई वर्क नहीं रहा है, मोबाइल इंटरनेट के सहारे जो है आउटडोर गेम्स तक भी बिल्कुल बंद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, सभी लोग जो है इनडोर में बैठे बैठे अपने मोबाइल्स पर, इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं, और एक तरह से एंटरटेनमेंट का या स्वास्थ्य का ध्यान रखने का कोई जरिया या तरीका नहीं रहा है, सभी लोग साधन संपन्न हैं, अपने घर से चलते हैं तो वाहन से, ऐसे में यदि हम लोग फिटनेस सेंटर का या जिम का सहारा लें तो मैं समझता हूं कि जहां हम लोग ये मानते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो शरीर के लिए सबसे प्रथम पूंजी है। मैडम ने अभी एक चीज़ और स्टार्ट कर दिया, मैडम खुद ब्यूटीशियन तैयार करेंगी, आप स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको नया अवसर मिलेगा, और अगर इस तरह के जो नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अगर पार्लर या फिटनेस सेंटर होंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे भी उसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, और जहाँ भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग समय नहीं दे पाते हैं, अगर अपने आप को व्यक्ति को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, तो योगा फिटनेस सेंटर का या जिम का, इनका सहारा लेना आजकल कंपलसरी हो गया एक तरह से, और ये लुक्स जो ब्यूटी पार्लर और फिटनेस सेंटर है ये उसकी एक मिसाल है।